नमः शिवाय। क्या निराश हुआ जाए, पाठ का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब हम इस पाठ में आए कठिन शब्दों और प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं वे हैं आरोप प्रत्यारोप, मानव महासमुद्र, मनुष्यों, श्रमजीवी, आंतरिक गुण, आध्यात्मिकता, पर्दाफाश, कंडक्टर, विश्वासघात, विनम्रता। अब प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर एक, लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक जीवन में दूसरे लोगों से कई बार धोखा खाया है, ठगा भी गया है, फिर भी वह निराश नहीं है। उसके जीवन में ऐसे अवसर भी आए हैं जब लोगों ने एक दूसरे की सहायता की है, निराश मन को हौसला दिया है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस एवं बच्चों के लिए दूध और पानी लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं जो लेखक को विश्वास दिलाती है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते। प्रश्न नंबर दो, दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है? दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले सकता है जब व्यक्ति उनको उजागर करते हुए उसमें रस लेने लगता है जो समाज के हित में नहीं है। रस लेकर दोषों को उजागर करने पर व्यक्ति उग्र रूप धारण कर सकता है और समाज में आतंक भी फैला सकता है। इस पार्ट के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर एक, जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था क्यों हिलने लगी है? वर्तमान में समाज में ईमानदार और मेहनत करके अपना जीवन निर्वाह करने वाले को मूर्ख समझा जाता है। धोखाधड़ी, झूठ और फरेब से काम करने वाले लोग फल फूल रहे हैं। सच्चाई केवल डरपोक व कमजोर लोगों के लिए रह गई है। परिश्रमी, ईमानदार व सच बोलने वाले को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए जीवन के महान मूल्यों के प्रति आस्था कम हो गई है। प्रश्न नंबर दो, भारतवर्ष की क्या विशेषता रही है? भारतवर्ष की विशेषता रही है कि यहाँ कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व न देकर सदा नैतिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया गया है। लाभ, मोह, क्रोध आदि विकारों को उचित न मानकर सदा संयम में रहने को प्रधानता दी गई है। प्रश्न नंबर तीन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करना किस बात को प्रमाणित करता है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश प्रकट करना यह प्रमाणित करता है कि हम अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता को महत्व देते हैं और उन्हें ही अच्छा समझते हैं। समाज में ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा कम करना जो गलत तरीके से धन और मान कमाते हैं, यह प्रदर्शित करता है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं। प्रश्न नंबर चार, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात क्यों नहीं है? दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है क्योंकि समाज में दोषों का पर्दाफाश करके अर्थात दोषों को उजागर करके ही उन्हें समाप्त किया जाता है, जिससे स्वस्थ समाज की नींव रखी जा सके। प्रश्न नंबर पाँच, समाज में श्रमजीवी लोगों की क्या स्थिति है? उत्तर होगा, समाज में श्रमजीवी लोगों की बहुत बुरी स्थिति है। वे ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, फिर भी
उनके साथ भेदभाव और शोषण हो रहा है, लेकिन जो फरेवी हैं वे अपना कार्य बेईमानी से करके फलफूल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, लेखक कंडक्टर के चरित्र से क्यों प्रभावित हुआ? उत्तर होगा, लेखक कंडक्टर के चरित्र से इसलिए प्रभावित हुआ क्योंकि उसमें कर्तव्य पालन एवं दया की भावना थी। उसने इंसानियत का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। बस खराब हो जाने के बाद कंडक्टर बिना किसी से कुछ कहे दूसरी बस लेने के लिए बस अड्डे पर चला गया। नई बस लाते समय वह अपने साथ एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर भी आया। उसने लेखक से कहा कि मुझे बच्चों का रोना देखा नहीं गया, इसलिए मैं यह सब ले आया हूँ। उसके इस व्यवहार से लेखक बहुत प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत में भौतिक वस्तुओं के संग्रहों को महत्व क्यों नहीं दिया जाता? उत्तर होगा, भारत में अंतः मन की आवाज़, अध्यात्म चिंतन एवं प्राकृतिक संपदा को अधिक महत्व दिया जाता है, इसलिए भौतिक अर्थात सांसारिक वस्तुओं के संग्रह पर अधिक बल नहीं दिया जाता। प्रश्न नंबर 9, लेखक ने टिकट बाबू को गलती से कितने का नोट दिया? उसे कितने रुपए वापस मिलने थे? तो लेखक ने टिकट बाबू को गलती से 100 रुपये का नोट दिया, उसे 90 रुपये वापस मिलने थे। इस तरह यह हमारा पाठ पूरा होता है। इस पाठ में आए कठिन शब्दों को और प्रश्नों के उत्तर को हिंदी लिटरेचर कॉपी में लिखना है। नमः शिवाय।